Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Living. So in today's video we are going to discuss what is compounding and its two types. So let's proceed. सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग होता क्या है. कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू वर्ड्स. अब कंपाउंडिंग के प्रोसेस में दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है जो कि फ्री मॉर्फिम्स होते हैं, द वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन, उनको मिलाकर एक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया जाता है. अब जो न्यू वर्ड बनता है वो या तो नाउन हो सकता है, या वो वर्ब हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है. अब जो इंग्लिश के अंदर कंपाउंड्स है, या तो आप उनको लिखते हो एक वर्ड के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ब्लैक बर्ड, ठीक है, या फिर आप उनको लिखते हो हाइफनेटेड वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स के दरमियान हाइफन डाल दिया जाता है, जैसे कि वेस्ट पेपर, या फिर आप उनको दो सेपरेट वर्ड्स के तौर पर लिख लेते हो, उनमें स्पेस दे देते हो, जैसे कि फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है. अब जी बात करते हैं एंडोसेंट्रिक कंपाउंड की. अगर आप वर्ड को देखो तो एंडो का मतलब है इनसाइड एंड सेंट्रिक का मतलब है सेंटर, ठीक है. सो हम इसको ले सकते हैं दोज कंपाउंड्स हुज हेड इज इनसाइड द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका हेड जो है वो कंपाउंड के अंदर ही है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल हेड दैट कंटेन्स द बेसिक मीनिंग ऑफ होल कंपाउंड. अब इन कंपाउंड्स जो हम लोग दो वर्ड्स मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से जो एक वर्ड होता है वो हमें, वो हमारे पास हेड वर्ड होता है जो कि हमें ओवरऑल कंपाउंड का या पूरे कंपाउंड का बेसिक मीनिंग जब हमें दे रहा होता है. सो एक मेंबर फंक्शन कर रहा होता है एज अ हेड और दूसरा जो हमारे पास होता है वर्ड वो काम कर रहा होता है एज अ मॉडिफायर, ठीक है. अब जरा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखें यहाँ पर डार्क रूम, डॉग हाउस, रीडिंग क्लास. यहाँ पर देखिए रूम, अब डार्क रूम जब हम देखते हैं तो डार्क रूम के अंदर जो जो रूम वर्ड है वो हमारे पास हेड वर्ड है, क्योंकि ये हमें ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड है डार्क रूम, इसका ओवरऑल आइडिया दे रहा है, क्योंकि हम बात करें डार्क रूम की, ठीक है. सो रूम जो है हमें बेसिक मीनिंग जो है वो दे रहा है. इसी तरह से डॉग हाउस है, सो हाउस जो है वो हमारे पास हेड वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि डॉग के हाउस के बारे में बता रहा है, जो कि हमें बेसिक मीनिंग दे रहा है होल कंपाउंड का, ठीक है. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रीडिंग क्लास. अब रीडिंग क्लास जो है वो हमारे पास एक नाउन है. अब यहाँ पर रीडिंग जो है वो हमारे पास वर्ब है और क्लास जो है वो नाउन है. अब हमारे पास जो हेड वर्ड है, जो बेसिक मीनिंग है, वो हमारे पास क्लास है, और यह सब हम लोग ओवरऑल कंपाउंड की बात करें तो वो रीडिंग क्लास ही है. सो हमारे पास क्लास इसके साथ है, मतलब जो हम कह रहे हैं क्लास, तो क्लास का मतलब रीडिंग क्लास ही है, ठीक है. सो ये हमारे पास होता है एंडोसेंट्रिक कंपाउंड, ठीक है. इस तरह से देखते हैं जी डॉग हाउस. अब डॉग हाउस ओवरऑल हमारे पास नाउन है. अब डॉग जो है वो भी हमारे पास नाउन है, हाउस भी हमारे पास नाउन है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर जो हाउस है वो हमारे पास हेड वर्ड है और डॉग हाउस का मतलब हम डॉग के हाउस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास जो है ना डॉग हाउस हमारे पास एंडोसेंट्रिक कंपाउंड है, और यहाँ पर जो हेड है वो हमारे पास इनसाइड द कंपाउंड है, और क्योंकि ये हमें बेसिक मीनिंग दे रहा है होल कंपाउंड का, ठीक है. अब हम बात करते हैं जी एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड की. अगर आप वर्ड एक्सो को देखो तो एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड एंड सेंट्रिक का मतलब होता है एट द सेंटर. सो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं दोज कंपाउंड हुज हेड इज आउटसाइड द कंपाउंड, जिनका हेड जो है वो कंपाउंड से आउटसाइड है, बाहर है, मतलब इसमें हमें वो बेसिक मीनिंग नहीं मिलेगा जो हमें एंडोसेंट्रिक में मिल रहा था, ठीक है. आप कह सकते हो इसकी कंपाउंड कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि या तो इसमें हेडवर्ड होता ही नहीं है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि इसमें जो हमारे पास कोर मीनिंग सिमेंटिक जो होता है, जो सिमेंटिक हेड होता है कोर मीनिंग वाला, वो नहीं होता, वो अनएक्सप्रेस होता है, ठीक है. और हम इसका मीनिंग जब इजिली गैस नहीं कर पाते, जैसे हमने डॉग हाउस देखा तो हमें पता लग गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रेड हेड स्केयरक्रो. अब यहाँ पर रेड हेड जो है वो हमारे पास नाउन है, रेड जो इसमें एडजेक्टिव है और हेड हमारे पास नाउन है. अब यहाँ पर जो हेड है वो एक्चुअली में रेड हेड नहीं है. रेड हेड का मतलब है पर्सन हु हैज रेड हेयर्स. यहाँ पर जो हेड है वो रेड हेड वाला हेड नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पर ये यह हमारे पास है एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड. इसी तरह से देखिए व्हाइट कॉलर. अब व्हाइट कॉलर जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, और व्हाइट हमारे पास एडजेक्टिव हो गया. अब कॉलर जो है वो हमारे पास नाउन है. अब यहाँ पर जो कॉलर है वो हमारे पास व्हाइट कॉलर नहीं है, ठीक है. इसी तरह से अगर आप बात करो स्केयर क्रो की, अब स्केयर क्रो ओवरऑल जो है वो हमारे पास नाउन है, ठीक है. अब यहाँ पर जो क्रो है वो हमारे पास, और जो स्केयर है, अब यहाँ पर जो क्रो का मतलब हमारे पास स्केयर क्रो नहीं है, ठीक है. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड है, क्योंकि इनका जो हेड है वो आउटसाइड द कंपाउंड है. दिस वॉज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.